नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुशी में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये है आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एपिलेक्स क्रोनो 300 के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये किस तरीके से यूज़ होता है, कौन कंपनी बनाता है, MRP क्या है, साइड इफेक्ट वगैरह क्या है, और आप इसे यूज़ कर सकते हो या नहीं, हर चीज़ के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले स्वागत है मेरा SDR TV चैनल में, मैं हूँ आपके दोस्त सुदीप। तो दोस्तों, एपिलेक्स क्रोनो, इसमें दो एपिलेक्स क्रोनो ये ब्रांड नेम है, कौन कंपनी बनाता है वो भी मैं आपको बता दूँ, ये एबोट कंपनी बनाता है, ठीक है। और इसका जो MRP है 85 रुपीज़ इसका MRP है, 10 कैप्सूल होता है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि आपका 10 कैप्सूल होता है। तो दोस्तों, ये मेनली किस काम में यूज़ होता है, यानी कि एबोट कंपनी हिसाब से ये किस किस काम में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये दो तीन चीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि हमारे जो मगज है, ब्रेन में जो इनवेलिड एक्टिविटी होता है, जो जिसके कारण से मिर्गी आना, मिर्गी की बीमारी, एपिलेक्स की जो बीमारी होता है, तो इस सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाता है, उसमें जो दर्द वगैरह होता है। लेकिन दोस्तों, एपिलेक्स का भी बहुत सारा सिस्टम होता है, बहुत सारे तरीके का उसका मिर्गी की बीमारी होती है, वो भी टोटल जब आप डॉक्टर से बात करोगे तो उस टाइम आपको कैलकुलेशन करके डॉक्टर आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका किस तरीके की मिर्गी की बीमारी है, तो इस सिचुएशन में आपको ये यूज़ करना है या नहीं, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो यूँ तो दोस्तों, एपिलेक्स क्रोनो 300 में आपको दो मॉलिक्यूल यानी कि दो इंग्रेडिएंट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि आपके मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें आपको मिलेगा सोडियम बेलपोरेट, जो कि इंडियन पैथोलॉजी हिसाब में 200 mg में है, उसके साथ में आपको मिलेगा वेलपोरिक एसिड, जो कि इंडियन पैथोलॉजी में 87 mg में है, ठीक है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स देके ये बनाया गया है। इसके साथ ये सिर्फ मिर्गी के नहीं, अगर मार्गी का कोई आपका माइग्रेन का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो दोस्तों अगर माइग्रेन का भी कोई अगर प्रॉब्लम है आपको, यानी कि आपका सर का एक तरफ आपको दुखते रहता है, टाइम टू टाइम पेन हो रहा है, और ख़तरनाक वाला पेन हो रहा है, या फिर जो तांडव टाइप का आपका एक्टिविटी होता है ब्रेन में, अगर आपको मिर्गी के कारण से, या फिर आपका ब्रेन में जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है उसमें अगर किसी तरीके का जो इलेक्ट्रल जो फंक्शन होता है वो अगर किसी तरीके से आपका एबनॉर्मल हो रहा है, जिस कारण से आपको अचानक गुस्सा हो जाना, या फिर आपको चिड़चिड़ापन आ जाना, या फिर आपको मतलब हमसे बड़ा कोई नहीं है इस तरीके का अगर आपको फीलिंग हो रहा है, तो इस सिचुएशन में भी एपिलेक्स क्रोनो यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये टोटली आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, खुद से इसे इस्तेमाल ना करें तो सबसे बेहतर है। डॉक्टर आपको देख के आपका स्टेज उनको समझ में आने के बाद, या फिर आपका जो बीमारी है वो देखने के बाद इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका अगर साइड इफेक्ट बताया जाए तो बहुत किस्म का इसका साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि आपका बालों का झड़ना, ठीक है, शरीर फूल जाना, या फिर आपको उल्टी वगैरह होना, या फिर आपको शरीर में कपकपानी जैसा आपको फील होना, इस तरीके का आपका सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकता है। अगर इसी तरह का आपको सिम्टम दिखाई दे रहा है तो आप इंस्टेंट आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसके बारे में बात कीजिए। तो दोस्तों, अगर किसी गर्भवती महिला है तो उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है, वो नहीं ले सकता। अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रहा है तो भी ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे तो बहुत बढ़िया टेबलेट है और कोई भी केमिस्ट शॉप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे, अच्छा लगने से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल, बेल बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग DR TV। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों आप लोग के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।